हेलो गाइस, आज हम एक न्यू चैप्टर रीड करने वाले हैं, फॉरेस्ट आवर लाइफ लाइन। और ये चैप्टर क्लास 7 का है, तो जिन्हें भी दिक्कत हो तो वो इस चैप्टर को आराम से पढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले इस चैप्टर को पढ़ने के लिए आप सबसे पहले लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक है हमारा फॉरेस्ट। फॉरेस्ट आर मच मोर देन जस्ट एन एरिया हैविंग हाई डेंसिटी ऑफ ट्रीज। दे आर एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ। टूडेज approximately 1/3 of total area on the earth is occupied by forest. From the things that we use to air we breathe, forests are involved in every aspect of human life. Most importantly, forests also provide habitat to various plants and animal species residing on earth. Forests are not only home to chirping birds but also providing movement of animals and bird. सो गाइज़, आपको ये तो समझ में आ ही गया होगा कि फॉरेस्ट हमारे लाइफ लाइफ के लिए कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। हमें टाइम बर्बाद नहीं करना है, हमें सारा टॉपिक कवर करना है। तो उसके लिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फ्लोरा फौना एंड फाउंड इन फॉरेस्ट। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं सबसे पहले अपना टॉपिक। सो स्टार्ट करते हैं रीडिंग। सेवरल काइंड ऑफ ट्रीज लाइक सिमल, प्लास, साग, तीम, नीम, फिग, आंवला, खैर, बम्बूर एंड ऑल ऑफ दिस आर फाउंड इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा कुछ कुछ जो आधा से ज़्यादा पेड़ तो सबसे पहले ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में पाया जाता है। और ये देख सकते हैं आप, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हमारा यहाँ पे दिया हुआ है ऑलरेडी। एनिमल लाइक एलिफेंट्स, टाइगर, लाइन, लायन, मंकी, इनहैबिटेंट्स। यस सर। सर ये सारा जो हमारा फ्लोरा एंड फौना जो है वो हमारा फॉरेस्ट में ही पाया जाता है, और ख़ास करके ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में ही पाया जाता है। यहाँ पे बहुत सारे जंगली जानवर जैसे कि शेर हो गए, बाघ हो गए, वो सब यहाँ पे रहते हैं ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में। और ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट